दोस्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए हमेशा नए नए बिजनेस आइडिया और प्लान लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आप कोई ना कोई बिजनेस शुरू करके अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। आज भी हम आपके लिए एक ऐसे ही बिजनेस की जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो लोग पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लोर मिल बिजनेस के बारे में। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होता। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पर आटा, सूजी, मैदा, बेसन इस तरह की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बिजनेस हर मौसम में चलने वाला बिजनेस है। आपको ज़रूरत होगी कुछ मशीनरी की और इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका सेटअप कैसा होता है, किस तरह इसको लगाया जाता है। ये जो फ्लोर मिल आप देख रहे हैं, इसके द्वारा आप कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आटा, मैदा, सूजी, बेसन, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इसको लगाने के बाद आपको कच्चे माल की ज़रूरत होगी, यानी कि आप गेहूं या चना बेसन बनाना है तो चना इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं या डायरेक्ट किसानों से भी खरीद सकते हैं। मार्केट का यहाँ अभिप्राय मंडी है, आप मंडी में जाइए, आपको जितना भी माल चाहिए वहाँ बड़े आसानी से मिल जाता है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट बना लेते हैं एक साथ, इसमें कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि आप गेहूं को इसमें अगर पीसते हैं तो आटा भी मिलेगा, सूजी भी मिलेगी और मैदा भी मिलेगी। तो इनको अलग अलग पैकिंग करना होता है, अलग अलग साइज में, मार्केट की डिमांड के अनुसार 50 किलो, 20 किलो, 10 किलो, 5 किलो इस तरह की पैकिंग में ये पैक किए जाते हैं और अपना एक ब्रांड नेम इनके ऊपर लगा दिया जाता है। फिर इनको सबसे पहले आप अपने आसपास की दुकानों या स्टोरों पर जा करके इनकी सप्लाई दे सकते हैं। अब आपको आकर्षित करना होगा अपने आसपास के दुकानों को जो आपसे माल खरीदें, या आप थोड़ा डिस्काउंट दे करके उन्हें माल बेच सकते हैं। कुछ समय के बाद जब आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाएगा फिर आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपके पास ऑर्डर आते रहेंगे और आप उन ऑर्डरों को पूरा करते रहिए। अगर ये बिजनेस आपका चल गया तो आपको पीढ़ियों तक कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्लोर मिल ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, हर समय इसकी ज़रूरत होती ही है। क्योंकि इंसान अगर जीवित रहता है तो खाना ज़रूर खाएगा और खाने के लिए इस बिजनेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाती है, क्योंकि इसके द्वारा ही कई सारे खाने वाले प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और इस बिजनेस के बारे में आप करने की सोच सकते हैं। अगर इस बिजनेस से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए कि मशीन कहाँ से लें, कैसे लें, कितना खर्चा आएगा, तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपनी का नंबर दे दिया है। आप वहाँ से कंपनी का नंबर लेकर के उनसे बात कर सकते हैं। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये सिलाई वाली मशीन है, ये भी आपको साथ में ही लेनी पड़ती है, जिससे कि बोरियों या थैलों की पैकिंग आसानी से हो जाती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए बिजनेस प्लान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।